क्या आप भी 9 to 5 जॉब से थक चुके हैं, ना खत्म होने वाले साइकिल में स्टक हैं, अपना बॉस खुद बनने और एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का ड्रीम करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा? वेल, ये वक्त ड्रीमिंग का नहीं, एक्ट करने का है। आज की इस वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग का इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और इनसाइडर टिप्स और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसको यूज करके आप बगैर किसी भी प्रोडक्ट को हाथ लगाए डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। वीडियो के एंड में आपके लिए सरप्राइज है जिससे आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप नीश सिलेक्शन का है। नीश सेलेक्ट करते हुए आपने डिमांड का लाजमी ख्याल रखना है और डिमांड को चेक करने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स या कीवर्ड एवरीवेयर जैसे टूल्स को यूज कर सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होते हैं। नीश सेलेक्ट करते वक्त आपने प्रॉफिट मार्जिन का भी ख्याल रखना है और आप ये लाजमी एस्टिमेट लेंगे कि उस नीश में कितना प्रॉफिट है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग में मिनिमम 10% ROI देखें। उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा बल्कि प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, क्योंकि बल्कि प्रोडक्ट्स को शिप करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लाइट एंड स्मॉल साइज प्रोडक्ट में जाएंगे ताकि उनकी शिपिंग इजीली करवा सकें। उसके साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम में नहीं जाना, आप एवरेज आइटम्स के अंदर डील करेंगे। लाइक आप $1 to $100 के अंदर ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग में डील करेंगे। नीश एनालाइजेशन करते हुए आपने लाजमी उसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम 10% प्रॉफिट मार्जिन हो तो आप उस नीश में डील करें। उसके साथ साथ आपने प्रोडक्ट का वेट एंड साइज लाजमी देखना है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उसके साथ साथ जो लाइट एंड स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें शिप करवाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। नीच सिलेक्शन करते वक्त आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप जो भी नीच सेलेक्ट करें उसमें आपके पास कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, लाइक रीयूजेबल आइटम्स और इनोवेटिव आइटम्स एटसेट्रा। नीच एनालाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप सोर्स फाइंडिंग का आता है। कुछ आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ सोर्सेज की, जिनमें आपके पास अमेजोन, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, अली एक्सप्रेस और CJ ड्रॉप शिपिंग अवेलेबल है। किसी भी सोर्स को फाइनलाइज करने से पहले आपने लाजमी उसके जो कस्टमर सपोर्ट है उसे चेक कर लेना है और ये भी देख लेना है कि वो कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इजीली हो सके। उसके साथ साथ आपने उस सोर्स के पेमेंट मेथड्स को भी देख लेना है कि वो सोर्स आपको कौन कौन सा पेमेंट मेथड प्रोवाइड कर रहा है पे करने के लिए, ताकि फ्यूचर में आप सिक्योर पेमेंट्स कर सकें। लास्ट में जो चीज़ आप देखेंगे वो है उनकी शिपिंग ऑप्शंस, कि वो कौन कौन से शिपिंग ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं, लाइक EMS, USPS, FedEx, DHL, ताकि आप अपने कस्टमर्स को फास्टली एंड इजीली प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकें। सोर्स फंडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ऑनलाइन स्टोर बनाने का, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेलिंग करेंगे। लेकिन इस चीज़ की फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए eBay को फाइनलाइज़ किया है और उसकी वजह यह है कि eBay की जो पॉलिसीज़ हैं वो दूसरे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है। उसके अलावा eBay पर ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। Shopify भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि eBay में आपको सिर्फ $300 to $500 चाहिए होते हैं। तो हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप eBay के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्टेप eBay अकाउंट क्रिएशन का आता है। eBay अकाउंट क्रिएशन के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि eBay का अकाउंट इजीली पाकिस्तान से बन जाता है। eBay का अकाउंट बनाने के लिए आपको एक ईमेल रिक्वायर्ड होगी और कोई भी आपको लीगल आइडेंटिटी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, उसके थ्रू आप eBay का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कुछ दिन सर्चेस करेंगे। सर्चेस करने के बाद आपने eBay का जो बायर अकाउंट है वो साइन अप करना है और नेक्स्ट 15 डेज तक आप अपनी डेली यूज़ की चीज़ें बाय करेंगे और अपने एड्रेस पर मंगवाएंगे। इसी तरह बाइंग करके आपने 7 to 8 रिव्यूज़ हासिल करने हैं और 7 to 8 रिव्यूज़ आने के बाद आप अपने अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके पहली लिस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम eBay लिस्टिंग और eBay स्टोर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। eBay लिस्टिंग का मेन पार्ट आपके पास टाइटल होता है, तो आपने एक किलर टाइटल क्रिएट करना है और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड लाजमी उस टाइटल में ऐड करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आपकी लिस्टिंग पर आ सकें। उसके बाद आपने हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है जो कि बायर्स को आपका प्रोडक्ट शो करवाएंगे। देन आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने प्रोडक्ट्स के तमाम फीचर्स को एक्सप्लेन करना है और ट्राई करनी है कि आप डिस्क्रिप्शन को इस तरह से लिखें कि जो बंदा आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़े वो आपका प्रोडक्ट लाजमी परचेज करे।
और स्टोर मैनेजमेंट में आपने कस्टमर क्यूरीज को एसेप डील करना है और एफिशिएंटली अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करना है, और इसके साथ साथ जो आपकी प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट होती है वो आपको एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब हम देखेंगे कि आप पाकिस्तान में डिपॉजिट्स कैसे मंगवा सकते हैं। तो पाकिस्तान में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास जो बेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो पेओनीर है। आप पेओनीर का अकाउंट इजीली पाकिस्तान से क्रिएट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपके पास लिंक अवेलेबल है, आपने उसी लिंक से जाके पेओनीर का अकाउंट क्रिएट करना है। उसके अलावा पेओनीर आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये देता है कि आप इजीली अपने लोकल बैंक के अंदर अपनी अर्निंग्स को विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि दूसरे बैंक्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कुछ इनसाइडर टिप्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप ईबे पर अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इसमें पहली चीज़ आपके पास ये है कि आपने अपनी लिस्टिंग को डेली ऑप्टिमाइज करना है, मॉनिटर करना है, और उसके एनालिटिक्स के लिहाज से आप उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आपकी किसी लिस्टिंग पर ऑर्डर नहीं आ रहे तो आपने उस लिस्टिंग के टाइटल के में जो कीवर्ड्स हैं उन्हें चेंज करना है, और उसके साथ साथ आप उसकी पिक्चर्स को एडिट करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन को एडिट करेंगे, और कैटेगरी को भी आप एडिट करके उसकी सेल्स बढ़ाने की ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने लॉयल कस्टमर बेस अपनी क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़ता है, आप जाएं, लेकिन आपकी जो कस्टमर बेस है वो लॉयल होनी चाहिए और रिटर्निंग कस्टमर होने चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपने बिल्कुल भी नई स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने से पहले नहीं डरना और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करके इंप्लीमेंट करते रहना है। लाइक सोशल मीडिया एड्स या कंटेंट मार्केटिंग वगैरह, आप कंटिन्यूसली उन्हें करते रहेंगे और उनकी न्यू स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने से आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। अब अपने स्टेप में मैं आपको कुछ एडवांस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा, जिसमें नंबर वन पे आपके पास आता है कंटेंट मार्केटिंग। आपने अपने टारगेट ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज करने के लिए लाजमी कंटेंट लिखना है और कंटेंट मार्केटिंग करनी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपके पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप अपनी नीश से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे शाउट आउट्स लेंगे ताकि आपका जो ईबे का अकाउंट है उसकी सेल्स इंक्रीज हो सके। थर्ड नंबर पे आपके पास ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। आपके पास कोई ऐसा डाटा अवेलेबल है जो ईबे बायर्स का है या ईबे बायर्स की ईमेल आपके पास अवेलेबल है, तो आप उन ईमेल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट ईमेल भेजेंगे ताकि आप वहां से भी अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। लास्ट में आपके पास सोशल मीडिया एड्स आ जाती हैं। सोशल मीडिया एड्स में आपके पास फेसबुक एड, गूगल एड और दूसरी पेड एड आ जाती हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप उनके ऊपर अपनी एड रन कर सकते हैं और उसे प्रॉपर मोनिटर करके आप एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने लॉयल कस्टमर बेस कैसे क्रिएट करनी है। लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट करने में मेन रोल आपकी जो कस्टमर सपोर्ट है उसका होता है। आपने अपने बायर्स को प्रोएक्टिव मैसेजेस करने हैं, उनकी क्यूरी को एज सून एज पॉसिबल आपने रिजॉल्व करना है। उसके साथ साथ आप उन्हें हैसल फ्री रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने उनसे फीडबैक लाजमी लेना है, क्योंकि उनका दिया हुआ फीडबैक जो न्यू बायर्स आपके स्टोर के ऊपर आएंगे उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब इस स्टेप में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्केलिंग को। आपने अपने बिजनेस के जो एनालिटिक्स हैं उन्हें देखकर बॉटलनेक्स फाइंड करने हैं और उनको ऑप्टिमाइज करना है ताकि आपकी जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके अलावा आप अपने बिजनेस एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए कुछ टास्क को आउटसोर्स करना शुरू करेंगे ताकि आपका जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है वो ऑटोमेशन के ऊपर जा सके। जो काम आप आउटसोर्स कर सकते हैं उनमें आपके पास लिस्टिंग, कंटेंट मैनेजमेंट या सोशल मीडिया एड्स वगैरह शामिल हैं। तो आप जितना ज़्यादा काम आउटसोर्स कर सकें उसको आउटसोर्स करके अपना जो पूरा बिजनेस है उसे ऑटोमेशन के ऊपर लेकर जाएं। अब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी कि आप कैसे 2023 में ड्रॉपशिपिंग बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक पॉइंट और ये भी था कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए इन एडवांस टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हमने उनके लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स भी ऑफर किया है और आप उस कोर्स पर अभी 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं। 10% ऑफ अवेल करने के लिए YouTube 10 कूपन कोड यूज़ करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल।